देख रहे हैं खटपट न्यूज। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान की गति और प्रगति को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में बात की। इस बैठक में वैक्सीनेशन की चाल और लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। छत्तीसगढ़ में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान की गति और प्रगति को लेकर इस बैठक में अहम चर्चा हुई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार दोपहर 40 जिलों के जिलाधिकारियों से भी वर्चुअली बैठक की। इस समीक्षा बैठक में पीएम ने कोरोना टीकाकरण के कवरेज को लेकर अधिकारियों से सवाल जवाब किया। बैठक को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम मोदी झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और अन्य राज्यों में कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत की, जहां इन राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। जी, मुख्य रूप से वैक्सीनेशन के संदर्भ में, और वैक्सीनेशन में देश के 45 जिले 12 राज्यों के, जहां पहला डोज 50% से कम हुआ है, उसकी तरफ ध्यान था। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले को अंकित किया गया था, हालांकि डाटा लगता है कि केंद्र सरकार के पास पुराना रहा होगा, उन्होंने कम आका था 50% से, हमारा 59% हो चुका है। कुछ कोविड पोर्टल में हमारी सीजी टीका के जो आंकड़े हैं वो भी चढ़े नहीं हैं, इसके चलते कुछ अंतर है। 80% प्रथम डोज हमारा हो चुका है और राष्ट्रीय औसत से अधिक दोनों, दूसरा डोज भी 38% हो चुका है, तो तुलनात्मक स्थिति ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे कि ये 100% के नज़दीक हो। 1 करोड़ टीका और 1 करोड़ सीरिंज भी हमने मांगे हैं, क्योंकि जो 32,000 हमारे पास टीके हैं इसमें से, सॉरी 32 लाख टीके हमारे पास स्टॉक में हैं, इसमें 30 लाख तो सेकेंड डोज के लिए लग जाएंगे, तो करीब 40 लाख नागरिक बचे हैं जिनको फर्स्ट डोज भी लेना है, उनके पास हमारे पास नहीं के बराबर टीके रहेंगे। दूसरा, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो चिंता की बात है, जिस पे हम लोग ध्यान और देने की कोशिश कर रहे हैं, कि समय बीतने के बाद सेकेंड डोज लेने के लिए कई लोग नहीं आए, तो इनको आना, इनको लाना, यहाँ तक उनके तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तो ये इस दिशा में हम काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी भी थे बैठक में, सारी बातें सामने हुई और छत्तीसगढ़ ऐसे राष्ट्रीय औसत से फिलहाल आगे ही चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।